अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तुबा वकास खान और आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा और जायका भी इसका लाजवाब है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल गरम कर लिया, उसमें हमने डाल लिया है ज़ीरा जिसको हम अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। उसके बाद साथ ही हम इसमें चॉप की हुई बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। अच्छा, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है तो इसलिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम पहले प्याज को कर लेंगे हल्का हल्का सा सॉटे। जब हल्की सोते सोते हो जाएगी जब हम इसमें डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट। ये मैंने तकरीबन 2 टमाटर लिए हैं, इनका पेस्ट मैं बनाकर इसमें डाल दूँगी। 2 टमाटरों का पेस्ट डाल दीजिए। चलिए जी, टमाटर डालने के बाद अब पारी आती है मसालों की। तो मसालों में हम सबसे पहले इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, धनिया और चाट का मसाला डालेंगे। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना जो मसाला पसंद आता है आप उसी हिसाब से डालिएगा। और हम इसमें नमक भी डालेंगे और इसको मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, वो मैं 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दूँगी क्योंकि ये दाल बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आप पूरी रेसिपी देखिए एंड तक ताकि आपको पता लगे कि दाल कौन सी हो और क्या क्या चीज़ें मैं इस दाल में डाल के मज़ेदार सी दाल बना ली है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे पानी का 1 गिलास भर के ताकि हमारा मसाला जले भी नहीं क्योंकि हम इसमें दाल भी शामिल करनी है अभी। तो हम इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देंगे। फिर हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने हाथ से जायका डालिएगा, जितना आप खाते हैं उतना नमक हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही हमारा टमाटर वाला मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और तेल उसका ऊपर आने लगेगा तो हम उस पर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको और भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जो चीज़ इसमें चाहिए वो है दाल, और दाल जो हम डालने वाले हैं वो है माश की दाल।
तो माशी दाल हम इसमें डाल देंगे, पहले से उबली भी है, खड़ी खड़ी उबाल लें और वो हम इसमें डाल देंगे। दाल डालते ही हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। फिर हम उसको दम पे लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लीमू का रस, तो मैंने एक लीमू लिया उसका रस इसमें हम डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची, अगर आप डालना चाहें तो वो डाल देंगे हम इसमें, लेकिन हरे धनिया से बहुत अच्छा वो आता है, हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, अदरक डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें हम। हाँ, ये मज़ेदार सी दाल हमारी हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और मेरी वीडियोस को लाजमी देखा दीजिए। मिलूँगी आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।